हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज़ 24 जुलाई और अभी टाइम हो रहा है 10:45। मैं सुबह 9:30 बजे उठ गई थी और आज संडे है, सो आई एम एट माई होम, और मतलब अपने रूम पर ही हूँ, हॉस्टल में हूँ, कॉलेज नहीं गई हूँ, आज संडे है। सो अभी जस्ट मैं ब्रेकफास्ट वगैरह करके निपटी हूँ, सो आई जस्ट थॉट टू स्टार्ट माई ब्लॉगिंग, क्योंकि बहुत दिनों से गैप आ रहा था मेरी ब्लॉगिंग, मैं कर ही नहीं पा रही थी। कभी कुछ काम होता था, कभी कुछ दूसरी एक्टिविटीज़ में इंगेज हो जाती थी, कभी कुछ आई डिडंट गेट इनफ टाइम टू शूट। तो आज जैसे भी है, सो मैंने सोचा कि आज तो एनी हाउ मुझे ब्लॉग करना है। हैड माई ब्रेकफास्ट, तो अभी स्टार्ट करते हैं आज का दिन। सो आई डिडंट टेक शावर, सो अभी मैं जा रही हूँ, आई नीड टेक शावर, और यहाँ पे भी पूरा मुझे ऑर्गेनाइज करना है अच्छी तरह से। एक्चुअली मैंने सुबह उठते ही अपना काम करना स्टार्ट कर दिया था, और ये मेरा ब्रेकफास्ट मैंने यहाँ पे रखा हुआ है एक्चुअली, क्योंकि मुझे नहीं करना था, मतलब एक पराठा एक्स्ट्रा बच गया है, और ये मैं अपना काम कर रही थी सुबह सुबह उठकर, सो ये उसके लिए है। और ये मैंने नेल पेंट लगाया हुआ था, और ये भी सारा यहाँ पे फैला पड़ा है, मैंने उठाकर ही नहीं रखा है इसको। सो आज मुझे ये सारा एनी हाउ पूरा मेंटेन करना ही है। और मेरे बाल अभी ऐसे चंपू चंपू से लग रहे हैं, एक्चुअली रात में चंपी की थी ना, तो अभी मुझे हेयर वॉश करना है। मैंने सोचा कि यार कल मंडे है, सावन का सोमवार है, तो कल फास्ट रखना है, तो कल ही हेयर वॉश कर लेते हैं। सो आज तो मैं हेयर वॉश नहीं करने वाली हूँ फिर, तो कल ही कर लेंगे। सो इसको ऐसे ही रखते हैं। और मुझे इन कपड़ों की भी तय करनी है, मैंने बहुत दिनों से तय भी नहीं किए, बाहर से उठा के मैंने ऐसे ही हाथ पटक दिए, तो अभी इसकी भी तय करनी है। कर रखे हैं कपड़े, इनको वॉश करना है, सो वो सारी चीज़ें अभी करनी है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैंने स्टार्ट कर दिया मेरा मेडिटेशन म्यूज़िक, और साथ ही मैं अपना सारा काम करने वाली हूँ। एक्चुअली प्रॉब्लम ये होगी, बहुत तेज़ बादल आ गया है, और पता नहीं मुझे अभी कपड़े धोने चाहिए या नहीं। देखिए कितना तेज़, यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश होने वाली है, अब पता नहीं ऐसा ना हो मैं कपड़े भी धो लूँ और सारा सूख भी नहीं पाए। 100% बारिश आने वाली है, और पता नहीं फिर कपड़े सूखेंगे भी नहीं, तो क्या फ़ायदा कपड़े धोने से अभी। मैं सोच रही हूँ नहीं धोऊँ, ऐसे बहुत तेज़ बादल है यहाँ पे, तो बिल्कुल काला। Hey guys, normal set for the day. और अच्छा हुआ मैंने अपने सारे कपड़े धो लिए, क्योंकि बादल जितने भी आए थे सब उड़ चुके हैं, ठीक है, फेक थे वो बादल एक्चुअली। अच्छा हुआ मैंने उनको सीरियसली नहीं लिया, ये तो फिर से मेरे कपड़े नेक्स्ट वीकेंड तक डबल हो जाती। तो अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ, मैं नॉर्मल सेट फॉर द डे, और अभी मेरा थोड़ा कुछ ऑफिशियल वर्क है उसको कंप्लीट करना है, और फिर उसके बाद लंच आ जाएगा, ठीक है। अभी मुझे भूख तो नहीं लग रही है, अभी टाइम वैसे भी 12:45 ही हो रहा है, ठीक है। सो देखते हैं लंच में आज क्या है। सो जितने भी काले बादल आए थे सब उड़ चुके हैं, और मैंने अपने सारे कपड़े यहाँ पे वॉश करके हैंग कर दिए, तो थैंक गॉड मैंने कपड़े धो लिए थे, नहीं तो बादल की वजह से, फेक बादल की वजह से मैं कपड़े भी धुल पाती। फिर सॉल डन। अभी टाइम हो रहा है 5:30, और मैं जस्ट अभी सोकर उठी हूँ, हैड अ गुड स्लीप आफ्टर हैविंग माई लंच। सो अभी टाइम हो रहा है 5:30, एक्चुअली मुझे अभी जस्ट भूख लगने लगी है, तो मैं नीचे जा रही हूँ अभी चाय लेने के लिए, और साथ ही मैंने अपने लिए कुछ स्नैक्स ऑर्डर किया है, वेज मंचूरियन फ्राइड राइस। सो द ऑर्डर इज़ ऑन द वे, अभी आने ही वाला है, पहुँचने वाला है। सो द डिलीवरी मैन इज़ ऑन द वे, ही इज़ गोना कम हियर। सो अभी चलते हैं नीचे चाय लेने के लिए, नहीं तो चाय भी फिनिश हो जाएगी, और चाय के बिना तो गुजारा ही नहीं है। लेट्स गो। सो ऑर्डर आ चुका है, सो अभी मैं जा रही हूँ उसको रिसीव करने के लिए। सो आई गॉट माई पार्सल मंचूरियन फ्राइड राइस। सो गाइज, अभी टाइम हो रहा है 8:30, और अभी मैं जा रही हूँ नीचे डिनर करने के लिए। एक्चुअली आई वाज जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर द लेक्चर, आई एम जस्ट गोइंग टू कंडक्ट माई टुमारो, सो दैट इज़ लीगल एंड द एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मिडवाइफरी, ठीक है। सो मैं सोच रही हूँ इसके लिए एक मैं वीडियो लेकर आऊँ अपने ओबीसी स्टडी पॉइंट पर, ठीक है। सो अगर आप ओबीसी से रिलेट करते हैं, सो ऑफकोर्स यू कैन गो एंड चेक, द लिंक इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो एंड चेक एंड गेट कनेक्टेड बाय सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। सो गाइज, इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे कल नए ब्लॉग में, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।